बहराइच में 23 जुलाई को नानापारा क्षेत्र के सरयू नहर के किनारे एक युवती की सिरकटी लाश मिली थी, जिसकी तहकीकात लगातार पुलिस कर रही थी ताकि अपराधियों तक पहुंचा जा सके। अब इस मामले को लेकर आज बहराइच पुलिस ने खुलासा कर दिया है और पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि युवती अपने प्रेमी पर शादी का दबाव बना रही थी, जिसको लेकर प्रेमी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी प्रेमिका की निर्मम हत्या कर दी और उसका शव नहर के बगल में लगी झाड़ियों में छोड़कर फरार हो गए। आपको बता दें कि मृतका शीबा का पिछले कई सालों से चरदा चौराहे पर मेडिकल स्टोर के दुकानदार अरुण सैनी के साथ प्रेम संबंध था और पिछले साल से शीबा अरुण पर शादी करने का दबाव बना रही थी। वहीं अरुण अलग धर्म होने का हवाला देकर शादी के लिए मना कर रहा था, लेकिन शीबा ये तर्क मानने को तैयार नहीं थी। अरुण के मना करने के बावजूद शीबा शादी का दबाव बना रही थी। उसने धमकी दी कि अगर अरुण ने उससे शादी नहीं की तो वो दोनों के बीच हुए संबंधों को सबके सामने उजागर कर देगी, जिसके बाद अरुण सैनी और उसके एक दोस्त कुलदीप विश्वकर्मा ने शीबा की हत्या की साजिश रच डाली। 23 जुलाई को अरुण और उसके दोस्त कुलदीप घूमने के बहाने शीबा को नानापारा कोतवाली क्षेत्र के सरयू नहर के किनारे झाड़ियों में ले गए, फिर बेरहमी से शीबा का गला और दायां हाथ काट डाला और उसके शव को वहीं छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तहकीकात के बाद मामले का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इसके साथ ही हत्या में प्रयोग किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।